गाइस वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो जॉइंड बाय माय ब्यूटीफुल वाइफ। तो आज हम बहुत अच्छी वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं, स्पेशली इसके लिए ये बहुत अच्छा रिलेट करवाएगी बिकॉज मैं आपको बताऊं, लाइक समझ लो ये बॉर्डर है, ये है इसका घर बिल्कुल बगल में और ये है बिल्कुल पाकिस्तान का घर, जो भी गाँव होंगे लाइक लिटरली कितना किलोमीटर होगा, पांच मुश्किल है 5 किलोमीटर, हम बेयरली 5 किलोमीटर इसका घर ओके बॉर्डर अभी फिलहाल जो है। सो जो हमारा पाकिस्तान में घर था ना वो भी बिल्कुल बॉर्डर के पास था, शेखपुरा का कोई है उसके गाँव बॉर्डर के पास नहीं था, गाँव का नाम क्या था, शेखपुरा का देख रहा है लाहौर से, लाहौर में ना इतना पास नहीं था, लाहौर से ना लाहौर में लाहौरपुरा के पास शेखपुरा कोई है तो कॉन्टेक्ट लाइक ओके लेट्स स्टार्ट वीडियो। एक मिनट गाइस आपको सबको राज बता दूं, बहुत सारा सोना दबा के आए थे हम हमारे घर में, वो मिल जाए तो हमें दे देना। आज हम पाकिस्तान के उस गांव में जा रहे हैं जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है और पाकिस्तान के बिल्कुल आखिरी किनारे पे है, इसके बिल्कुल साथ इंडिया की सरहद शुरू हो जाती है। आप ऐसा समझ लें एक आपका पांव इस गांव में है, दूसरा आपका पांव इंडिया में होगा। दिख तो देख भाई मैं बता रहा, मैंने इसका घर भी ऐसा ही है, किनारे पे है इसके बिल्कुल है। आप ऐसा समझ रेगिस्तान में तो नहीं है बिकॉज रेगिस्तान ये घर तुम्हारे भी बहुत घर इतने भी रेगिस्तान नहीं है हमारे इलाके में, साइड थोड़ा इतना भी हमारे घर के आसपास नहीं, नहीं वैसा ही है देख बिल्कुल से, हाँ वही तो कच्चे से थोड़े थोड़े भेड़ बकरी देखो ऐसा सही है, बट बहुत सारी जगह हैं जो उधर है पास में। क्या भाई बहना इधर यार, मुझे कौन बहुत पसंद है यार, शांति। जब ये जाएंगे ना गांव में इनका भूत तब उतरेगा देखना, ऐसा उतरेगा ना दोबारा मुंह नहीं करेंगे। तुम्हारे वहाँ पे तो राजस्थान में मिट्टी के बर्तन थे सारे, मुझे वही फील आ रही, कहता रहा मैं इतने गांव में है हमारे घर में नहीं है, अभी पहले थे अभी नहीं है, गांव में है काफी घर। ये जी पाकिस्तान का आखिरी गांव है, पाकिस्तान का लास्ट विलेज है ना, ये देखे जी ये इंडिया है, ये हा? ये दरख्त दिखाई दे रहा है, ये आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में है, इतना नजदीक बॉर्डर नहीं है बीच में, मिट्टी के मकान बने हुए सारे यहां पे, हां इतनी देर से देख रहे हैं दूर से तारे लगे होते हैं बस थोड़े थोड़े। अच्छा चाचा जी केड़ी केड़ी आखी जी आ ले लो खुद का जड़ा फड़ा है वो फिक्र है वो ना बने जाओ अपने बने आधा अपने बने आधा हम दे लो अदा पाकिस्तान चदा इंडिया च हां और ना वीडियो रे और पसंद नहीं देखे पा रहे वाला ये शील ते जांदे ने पा अच्छा ते इसको 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 देखो शील पे रही क्यों जांदी है। ये वाले दरख्त जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंडिया के अंदर है, बट यार मुझे यहाँ पे तो कोई आर्मी का नामो निशान नहीं है लाइक बाघा बॉर्डर पे, भाई कितना तो घूम रहे हैं वहाँ पे, तुम्हारे घर के खेतों में कितने घूम रहे थे आर्मी वाले चाकू ले बड़े बड़े, क्या बात कर रही है पागल हो गए होंगे घर के आसपास, देखे आपने एक भी आर्मी, हमने 20 साल में एक एक दो बार तीन बार हार्डली देखे होंगे नहीं, बाकी फिर भी लेकिन बाघा बॉर्डर इतनी सिक्योरिटी क्यों है, अगर बंदे नहीं, नहीं। अगर किसी टेररिस्ट वगैरह को इधर से उधर जाना हो किसी को जाना होगा तो इजी कर लेगा, नहीं है ना ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है नहीं, जीरो लाने ये लास्ट विलेज है पाकिस्तान का, तारे लगी होती है ऐसे नहीं होता, कहां लिख रहे हैं दिक्कत बनाएंगे इतनी नहीं बाबा जी, नहीं दिखेगी कोई मसला मसाइल तो नहीं, उधर कोई तंगी या मसला मसाइल तो नहीं होता, कौन सी जगह है शहर कौन सी मतलब बॉर्डर कौन से इलाके में है, राजस्थान में पंजाब में, पंजाब तो नहीं होगा राजस्थान ही है ये, दिस इज राजस्थान, पंजाब लगता नहीं राजस्थान है ये, नीम ये ऐसे पेड़ पे राजस्थान में होते हैं इस इलाके को, क्या बोलते हो अगर राजस्थान में होता तो मिस्त्री मजदूर वगैरह तो नहीं, जो पानी आवे हर साल आवे जो ओवरफ्लो हो जाता है
ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ This is 100% Rajasthan. This is 100% Rajasthan. Like Pakistan wali side se. ये rooms हैं यहाँ पे ये आंटी जी खाना बनाती हैं सोच कितनी शांति यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं कोई competition नहीं किसी पे This is beautiful life bro आप agree करो मत करो This is the best life इन्हें चले को खाना बना के रख दे सेव रहने को इसमें वो है जानवर हाँ जानवर है इसमें लकड़ियाँ ये चूल्हा ये देखें जी यहाँ पे ये खाना बना रही हैं आंटी जी यहाँ पे देखें उन्होंने ऊपर एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे छोटा सा साग बनाया है यहाँ से धुआं बाहर निकल क्योंकि छोटा सा घर है बहुत अच्छा मैनेज किया है उन्होंने बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह ये छोटी सी एक शॉप बनी हुई है शॉप में हम जा रहे हैं इसको पता क्या बोलते हैं इधर करना इधर ये वाली जो यहाँ जो वैसे इसमें खाना खा रही है एक खुरली सी बनी खुरली पता है मुझे पूछने वाली थी मैं इसको क्या बोलते हैं पाकिस्तान में क्या बोलते हैं इसके मिनट्स में आता है आप लोग क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं खुरली अभी नाम याद आया काफी टाइम बाद अस्सलाम वालेकुम छोटी सी किराना शॉप है ये गेट ऑन कर दी यू नॉट वेलकम हियर ब्रो गेट आउट सारी चीजें आपको पास है वो लड़कियां ना थोड़ी बैकवर्ड एरिया थैंक यू ये लाइफस्टाइल देखें लोगों का जी बहुत सादा लाइफस्टाइल है ये देखें मकान है ये बेस्ट लाइफ इन द वर्ल्ड लिटरली आप सोच के देखो ठंडी हवा चल रही है दोपहर मतलब दो तीन बज रहे हैं ठंडी हवा चल रही है बंदा यहाँ पे मस्त चादर मतलब प्लीज यार यार मुझे जेलस हो रहा मैं राजस्थान के घर पे गया था मैं तो अगले हफ्ते के लिए मैं सोता ही रहा नीम के नीचे सोता ही रहा पूरे सात दिन लाइक दिस इज द बेस्ट लाइफ ऐसा ही नीम का पेड़ था बेस्ट बेस्ट ब्रो ये देखो लोगों का लाइफ इतनी अच्छी लाइफ है यहाँ पे जीरो कॉम्पिटिशंस कॉम्पिटिशन नहीं है आपको बाद में पता चले जाए शहर में जाओगे ना तब पता चलेगा 10 साल पीछे हो आप कंपटीशन ही नहीं है तो क्या पता चलेगा ये घरों के साथ घर है नहीं मुझे तो क्या चाहता हूँ ऐसे पैसा बंदा कमा ले 2-3 करोड़ रुपए कमा के ना यहाँ पे जाके अपना मस्त रहना शुरू कर दे बैंक से ब्याज आता रहेगा महीने महीने हर महीने लाखों रुपए मस्त अपना बैठे चिल करें लाइफ जिए ओके और ये पता क्या सोच रहे हैं हम भी जाएं शहर जाएं ऐसे रहेंगे ऐसे कोई नहीं सोचता ना ज़्यादा कोई नहीं सोचता कोई भी नहीं और साफ शफाफ आबो हवा है यहाँ पे यस क्लीन ये बहुत ही अच्छे लोग हैं सादा सिंपल लाइफ गुजारते हैं इन्होंने हमें परमिशन दी है वीडियो बनाने की इनका बहुत शुक्रिया भाई थोड़ी शोर बना लो मार जा रहे हैं इंडिया चले जाते थे ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਗਾਉਂ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਔਰ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਹੈ ਯਹਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਬਨੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੈ अब मैं पूछूं अब मैं से पूछूं ये गांव इसको इसको क्या कहते हैं गांव के उसको क्या बोलते हैं बताओ यस ओके ओह शिट एक मिनट इन्नू दसो हां ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਿਆਣਾ ਗਾਇਸ ਕਮੈਂਟ ਸੋ ਰਹੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਿਆਣਾ ਪਾਣਾ ਗਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ यहाँ अमन सुकून और खुशहाली का तमाम क्रेडिट पाक आर्मी को जाता है अंगूर कुर्बानी की बदौलत यहाँ अंगूर है हाँ वही तो कह रही है अंगूर के बेल अच्छा तुम मेरा बेर कह रही है बहुत सी जगहों की वीडियो और तस्वीर बनाना ममनू था जिसकी वजह से हमने उनकी वीडियो और तस्वीर नहीं बनाई अरे 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 कुकड़ केएफसी केएफसी राइट इसको बोलते वो सुनी मुर्गे सोचते होंगे ना कब तक यहाँ हम देसी पतीले में पकते रहेंगे हमें KFC में जाना है कभी ना कभी किसी की बकेट में गिरना है ओके बट लाइक लिटरली लाइक दिस इज अ होलसम वीडियो लाइक मेरा देखो
क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि लाइक शहर में जाके रहना वगैरह। मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैं ये सड़क को पार करके चली जाऊंगी ना तो उधर मेरा घर दिखेगा। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरा इसको बताते रहता हूँ, मेरा जिंदगी का सपना यही है कि थोड़ा 10-15 करोड़ रुपए इकट्ठा करें, बैंक में जमा करें, उसके बाद मतलब मैं अभी 26 का हो गया हूँ तो मेरा चांद मैं पूरा सोचता हूँ कि 32 से 33 तक मैं रिटायर को निकल जाऊँ घर अपने, फिर हम दोनों रहेंगे मस्त एक गाँव में, ठीक है, चिल करेंगे, गेम खेलेंगे, यूट्यूब करूंगा 24 घंटे यूट्यूब पे, 24 घंटे यूट्यूब पे लाइव, 24 घंटे यूट्यूब पे लाइव रहेंगे हम, लाइव स्ट्रीमिंग पूरे नेचर का मजा लेंगे, गार्डनिंग करेंगे, गेम खेलेंगे, सब करेंगे पर लाइव रहूंगा यूट्यूब पे, यूट्यूब इज लाइफ, माई लाइफ लाइन। ओके तो डिमोटिवेट हो क्या करें मुझे और। ओके गाइज इट्स अ गुड वीडियो, मजा आ गया देख के गाइज, अगर इफ यू वांट गाइज लाइक मैं इसका घर दिखाऊंगा तेरा घर लोगों को गाइज प्लीज, हाँ वेट टिल एंड। ओके आपको सबको मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको भाई इसका घर कहाँ आपको दो, पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं मैं एग्जैक्ट जगह नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट जगह नहीं बताऊंगा मैं, ऑब्वियसली बात है अगर कोई बाई चांस क्या क्या नाम है इसका, ये पाकिस्तान में है क्या अभी? नहीं नहीं ये तो अपना कुछ अपना है ना, पंजाब का नहीं है तो कहीं और देखा था मैं कुछ। गाइज ये है इसका घर भी आएगा को गंगानगर, तो इसके शहर घर के पास ये है देखो, सिंहपुर आ जाओ इधर, रायसिंह नगर इधर आ जाओ। अरे मैं मुझे जरूरत नहीं है, अरे इधर अनूपगढ़ इधर, हाँ रुक जा देख गया मुझे देख गया, ठीक है गाइज ये रहा मतलब इसी इस एरिया में इसका घर है और ये है देखो दिस इज़ द पाकिस्तान बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये आपका पाकिस्तान की शहर और इसका घर इस एरिया में, तो बिल्कुल यू नो इधर ये पाकिस्तान है, ये देखो ये क्या है इसका नाम, ये चक जो भी है गवर्नमेंट बॉयज और प्राइमरी स्कूल ये सब पाकिस्तान में है और ये सब इंडिया में है और ये हम पे से आई है। ओके सो गाइज या इतना क्लोज है। ओके सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड वीडियो, पीस।